बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन डिक्लेरेशन की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फंक्शन डिक्लेरेशन में हम कंपाइलर को रेडी कर रहे थे कि जो फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन का नेम क्या होगा और पैरामीटर्स की टाइप क्या होगी। जबकि फंक्शन डेफिनेशन दरअसल वो पीस ऑफ कोड है, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि बताती हैं कि आपका फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा और उस टास्क को किस तरह से परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर आप दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए एक फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन डेफिनेशन में आप वो तमाम स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिनके जरिए आप उन दो नंबर्स को ऐड करवा सके। इसी तरह जो भी टास्क आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं उस टास्क को अटेन करने के लिए जो कोड आप लिखेंगे, जो स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे उसे फंक्शन डेफिनेशन में लिखना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, फंक्शन डेफिनेशन भी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन हेडर से क्या मुराद है दोस्तों? फंक्शन डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन होती है, जो पहली लाइन होती है, वो फंक्शन हेडर कहलाती है। ये बिल्कुल आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप की तरह होती है। इसमें भी आप फंक्शन की रिटर्न टाइप बताते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं और साथ के साथ पैरामीटर्स भी डिफाइन करते हैं। यानी जैसी आपकी फंक्शन की प्रोटोटाइप होगी, फंक्शन डिक्लेरेशन होगी, फंक्शन हेडर भी बिल्कुल वैसी ही होगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि फंक्शन हेडर में आप पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, फंक्शन हेडर के बाद आप फंक्शन डेफिनेशन के सेकंड पार्ट बॉडी ऑफ द फंक्शन को लिखेंगे। और दोस्तों, फंक्शन बॉडी दरअसल कर्ली ब्रेसेस के इन पेयर्स के दरमियान वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम किसी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए लिखते हैं। यानी वो पीस ऑफ कोड व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क इज डिफाइंड इनटू द फंक्शन बॉडी। और दोस्तों, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो यही फंक्शन की बॉडी में लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए अब फंक्शन हेडर और बॉडी ऑफ द फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। दोस्तों, फंक्शन हेडर के अंदर आप सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे जो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखी थी, उसके बाद फंक्शन नेम भी वही लिखेंगे जो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखा था, उसके बाद पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर की टाइप के साथ उसका नेम भी लिखेंगे। दोस्तों, फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर ये हमारे पास ऑप्शन था कि आप पैरामीटर की टाइप और उसका नेम साथ साथ लिखें, लेकिन फंक्शन हेडर के अंदर ये मैंडेटरी है कि आप पैरामीटर की टाइप के साथ उनका नेम भी डिफाइन करें। इसके बाद आप पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद किसी किस्म का कोई सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपकी फंक्शन हेडर कम्प्लीट हुआ। इसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन स्टार्ट होगी इन कर्ली ब्रेसेस से। जैसे ये कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, फंक्शन की बॉडी यानी फंक्शन भी ओपन हो जाएगा, और जैसे ये कर्ली ब्रेसेस आप क्लोज करेंगे तो फंक्शन की बॉडी भी क्लोज हो जाएगी। और इनके दरमियान यानी इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान आप वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि किसी टास्क को अटेन करने के लिए आप परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे वो आप यहाँ पर यानी बॉडी ऑफ द फंक्शन में लिखेंगे। दोस्तों, फंक्शन डेफिनेशन के बाद जो थर्ड पार्ट है फंक्शन का वो है फंक्शन कॉल। और दोस्तों, याद रखिए, फंक्शन का जो सबसे पहला पार्ट था वो है फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, जिसमें हम कंपाइलर को बताते हैं कि एक फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन नेम क्या होगा और पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, ये सब बताते हैं। इसके बाद जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, फिर बारी आती है उस फंक्शन को डिफाइन करने की, जिसमें हम फंक्शन डेफिनेशन में हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिनके जरिए आप अपने टास्क को परफॉर्म करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक फंक्शन को बनाने का असल मकसद क्या होता है? रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड, कि आप उस फंक्शन को बार बार इस्तेमाल कर सके। यानी एक बार आपने जो फंक्शन बना दिया, अब उसको आप बार बार यूज कर सके। और इसके लिए आपको जो स्टेटमेंट सी प्रोवाइड करती है वो है फंक्शन कॉलिंग की स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, फंक्शन कॉल से मुराद वो स्टेटमेंट है जिसके जरिए एक फंक्शन एक्टिवेट होता है। यानी जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपने फंक्शन डेफिनेशन में लिखी थी वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब आप इस फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट को लिखेंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है दोस्तों? फंक्शन कॉलिंग की स्टेटमेंट को हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने फंक्शन का नेम देंगे और इसके बाद पैरेंथेसिस देंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर
अगर आपने फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में कोई पैरामीटर्स डिफाइन किए थे तो यहाँ भी आपको पैरामीटर्स देना लाजमी है। या तो आप पैरामीटर्स देंगे या फिर आप उन पैरामीटर्स में रखी गई वैल्यूज पास करवाएंगे। मिसाल के तौर पर दोस्तों, यहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त दो पैरामीटर्स की टाइप लिखी है। इसके बाद फंक्शन डेफिनेशन में हमने उन पैरामीटर्स की नेम भी डिफाइन की है। यानी फंक्शन डिक्लेरेशन में आपने कंपाइलर को बताया कि हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसके दो पैरामीटर्स होंगे। अब जब आप इस फंक्शन ऐड को कॉल करेंगे तो उसको कॉल करते वक्त भी आपको वो पैरामीटर्स की के नेम या फिर इन पैरामीटर्स की वैल्यूज को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। यानी अगर आपने फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन के दरमियान पैरामीटर्स लिखे हैं तो फिर आपको फंक्शन को कॉल करते वक्त भी पैरामीटर्स देना लाजमी है। और दोस्तों याद रखिए, फंक्शन कॉल में आप ना ही फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं और ना ही पैरामीटर्स की डेटा टाइप लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी है, यहाँ भी हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी है, लेकिन फंक्शन को कॉल करते वक्त आप किसी किस्म की कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते और ना ही पैरामीटर्स की डेटा टाइप लिखते हैं। अब आइए दोस्तों, एक प्रोग्राम के थ्रू इसको मजीद। दोस्तों यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। और इसको हम फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, जिसका फायदा ये है कि एक बार आपने फंक्शन बना लिया, आप जितनी बार चाहें आप मल्टीपल नंबर्स का जो है वो स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जानते हैं कि एक फंक्शन जो है वो तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। तो आप सबसे पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, जिसमें दरअसल हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, हमारे फंक्शन का नेम क्या होगा और हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स और उनकी टाइप्स क्या होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने रिटर्न टाइप फ्लोट लिखी है, यानी आपका जो फंक्शन है ये जो आउटपुट रिटर्न करेगा वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी। इसके बाद आपने फंक्शन का नेम लिख दिया स्क्वायर और पैरामीटर लिख दिया फ्लोट टाइप का एक्स। इसके बाद दोस्तों आप मेन के अंदर आए और आप जानते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर हम दरअसल फंक्शन को कॉल करते हैं। और याद रखिए दोस्तों, आप कोई भी आप प्रोग्राम बनाएं तो सी का कंपाइलर है वो उसको टॉप टू बॉटम स्कैन करता है, यानी इस तरह से एग्जीक्यूट करते हुए चलता है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं m और n के नाम से। m के अंदर हमने दरअसल यूजर से एक इनपुट लेकर उसमें हम स्टोर करवा रहे हैं, वो इनपुट फ्लोटिंग टू पॉइंट वैल्यू होगी। और जो भी हमारा स्क्वायर रूट के फंक्शन का रिजल्ट होगा उसको हम n वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ तक एग्जीक्यूट करने के बाद अब कंपाइलर जब इस लाइन पर पहुंचेगा, यानी लाइन नंबर 9 पर जब पहुंचेगा, तो ये करेगा n इक्वल्स टू स्क्वायर। और जैसे ही दोस्तों ये इस स्क्वायर के नाम पर पहुंचेगा तो ये समझ जाएगा कि यहाँ पर दरअसल ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब डायरेक्टली ये जंप करेगा इस फंक्शन डेफिनेशन पर, और जंप करते ही साथ के साथ इस m के अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी, जो यूजर ने एंटर की होगी, वो भी इस फंक्शन डेफिनेशन को दे देगा। यानी दोस्तों जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन कॉलिंग की स्टेटमेंट दरअसल एक्टिव कर देती है, एक्टिवेट कर देती है आपकी फंक्शन डेफिनेशन को। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो कंट्रोल है अब इस फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट से डायरेक्ट जो है वो इस फंक्शन डेफिनेशन पर आ जाएगा m की वैल्यू को लेकर। और अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आपकी लाइन आपको नजर आ रही है फंक्शन डेफिनेशन की और फंक्शन डिक्लेरेशन की, अब आपका कंपाइलर इसको क्रॉस चेक करेगा। ये चेक करेगा कि क्या दोनों की जो है रिटर्न टाइप सेम है, दोनों का नेम भी सेम है, दोनों की पैरामीटर और उनकी टाइप भी सेम है। और अब जब इसको इस क्रॉस चेकिंग में फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में किसी किस्म का कोई एरर नहीं नजर आएगा, फिर ही ये इस बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर जाएगा। दोस्तों इसके बाद ये सबसे पहले यहाँ पर आपने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल p डिफाइन किया है और इस p के अंदर आपने लिखा है कि p इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x, यानी जो नंबर आपने इनपुट दिया है उसी नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। आप जानते हैं कि अगर आप 3 का स्क्वायर मालूम करना चाहते हैं तो आप जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपको उसका स्क्वायर रूट मिलेगा। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो अब दोस्तों जो भी नंबर आपने एंटर किया है वो इस x के अंदर आ जाएगा और फिर आप उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट इस p में स्टोर करवा देंगे। और यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट लिखी है रिटर्न और पैरेंथेसिस में आपने लिखा है p। जैसे ही दोस्तों आपका कंट्रोल इस रिटर्न स्टेटमेंट पर आएगा तो ये इस p की वैल्यू को लेकर जाएगा और इस फंक्शन कॉल के ऊपर जंप कर जाएगा।
यानी दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि जैसे ही फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट इनकाउंटर होती है तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जंप कर जाता है फंक्शन डेफिनेशन पर, और जैसे ही ये रिटर्न की स्टेटमेंट इनकाउंटर होती है तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जंप कर जाता है दोबारा से फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट पर, और रिटर्न की वजह से ये इस प्रोग्राम का रिजल्ट को भी इस कॉलिंग स्टेटमेंट को दे देता है। और दोस्तों जो भी आपके प्रोग्राम का रिजल्ट आया है अब ये एन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और अब आप प्रिंटर स्टेटमेंट के थ्रू इस स्क्वायर को प्रिंट करवा देंगे। और इस तरह दोस्तों ये फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल मिलकर काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ जिसमें हमने सीखा कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल क्या होते हैं। अगले लेक्चर में हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।